हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं पठान मूवी के ऑफिशियल डे 5 वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। भाई साहब, क्या गजब कलेक्शन आया है, बहुत ही बढ़िया। करण अर्जुन तो आ गए धरती का सीना चीर के, आसमान का सीना फाड़ के, सब जगह से बस पैसा ही पैसा निकल रहा है। बॉक्स ऑफिस पे पता नहीं कितना सारा पैसा निकल रहा है। ये चीज देख के मुझे एक चीज पता चली, जो नेहा धुपिया ने कही थी कि बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ दो ही चीज चलती है। भाई बॉलीवुड में सिर्फ दो ही चीज चलती है, ऐसा 2004 में नेहा धुपिया ने कहा था। एक तो शाहरुख खान और दूसरा तो आप समझ रहे हो, अगर पता नहीं है तो गूगल पे सर्च मारो, तीन वर्ड का शब्द है जिसमें पहले एस आता है आखिर में एक्स आता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो ठीक है, अभी मुद्दे की बात करते हैं। अगर बुरा लगे तो सॉरी, मगर नेहा धुपिया ने कहा था, मैंने नहीं कहा था। 2004 में कहा था जब उनकी मूवी आई थी जूली, ये बात तब भी सच थी और आज भी सच है। मतलब कि बॉलीवुड में तो सिर्फ शाहरुख चलता है भाई, ये तो मान गए भाई। ये जो स्टार पावर है ना, ऐसा स्टार पावर पहले अमिताभ के पास था, उससे पहले राजेश खन्ना के पास था। अभी आप लोग कॉमेंट करके बताओ नीचे कि इसके बाद, मतलब कि शाहरुख के बाद किसके पास ऐसा स्टार पावर आएगा। मुझे नहीं लगता कि आ सकता है, अभी फ्यूचर का पता नहीं, मगर शाहरुख के पास जो स्टार पावर है ना भाई, गजब नेक्स्ट लेवल का है भाई। अभी चलो मुद्दे की बात करते हैं। अभी यशराज ने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया एक पोस्टर जिसमें लिखा है हाईएस्ट ग्रोसिंग ओपनिंग वीकेंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा, 543 करोड़। मतलब कि भाई सब बवाल, मतलब कि 550 करोड़ के आसपास, गिनी लो ना, 550 करोड़ ही गिन लो भाई। उसमें से इंडिया से कमाया है 335 करोड़ और ओवरसीज, मतलब कि इंडिया के बाहर से 208 करोड़, मतलब कि $25.5 मिलियन। भाई साहब, मतलब कि देखने जाऊं तो पठान आग लगा रहा है सभी जगह पे, पानी में आग लगा दिया पठान ने। बहुत बढ़िया कलेक्शन आया है, 5 दिन में 500 करोड़, मतलब कि 550 करोड़, 550 करोड़ हो गया है इसका। पता नहीं अब ये 1000 करोड़ के पीछे भाग रहा है। अगर ऐसा हो गया, 1000 करोड़ कर लिया ना, तो वो जो रिकॉर्ड बनेगा ना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हिंदी के दम पे इसने रिकॉर्ड बनाए हैं, दूसरी किसी लैंग्वेज के दम पे नहीं बनाया है इसने। दूसरी सब लैंग्वेज ने तो महामुश्किल से 10 करोड़ का कलेक्शन किया होगा, महामुश्किल से। इसने 550 का किया है, आप सोच लो, अकेले शाहरुख ने अपने दम पे जो कायम किया है ये रिकॉर्ड, इसको तोड़ना तो भाई बहुत मुश्किल होगा। पुष्पा 2, KGF 3, 4, पता नहीं क्या आएगी क्या नहीं आएगी। हाँ एक चीज हो सकती है, अगर शाहरुख का स्पाई यूनिवर्स कनेक्ट हो जाए लौकी के स्पाई यूनिवर्स, मतलब कि विक्रम के साथ, कैथी के साथ, उसके साथ अगर इसको कनेक्ट कर देना भाई, तो बवाल हो जाएगा भाई, क्योंकि दोनों तरफ स्पाई है। अगर ये दोनों कनेक्ट हो गए ना, तो हिंदी में से भी आएगा, साउथ में से भी आएगा, मतलब कि 2-3 हजार करोड़ तो ऐसे ही हो जाएगा। ये तो मेरी थियरी है, मगर ये इतने बड़े बड़े स्टार है ना भाई, कमल हसन साहब बहुत बहुत बड़े स्टार है भाई। अभी ये सब इकट्ठा हो ना हो क्या नहीं, वो तो भगवान ही जानता है, बाकी ये तो मेरी थियरी है। आपको ये मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, वंदे मातरम।